अस्सलाम वालेकुम बेटे, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी जोहर टाउन लाहौर। बेटे, आपके साथ पिछले दिनों सेल बायोलॉजी के ऊपर डिस्कशन चल रही थी और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोगों ने ये फेस किया कि हमें सम टाइम कुछ टॉपिक्स को स्क्वीज करना पड़ा, यानी हमने कोई चीज़ मिस तो नहीं की है। हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक ही दिन पढ़ना था, लेकिन हम लोगों को वो दो डिफरेंट डेज में पढ़ना पड़ा और उसकी वजह से भी फिर हमारा थोड़ा सा चीज़ें प्रोलॉन्ग हो गई। मुझे आसिफ साहब ने ये कन्वे किया था कि बच्चे इस चीज़ में बहुत परेशान हैं कि हम लोग जो SOS होती है उससे अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे होते। बेटे, आप ना एक चीज़ ज़रा अपनी जहन में ये रखें कि जब कभी आपके पास कोई यूनिट चल रहा होता है तो हम लोग उस यूनिट के प्रस्पेक्टिवली चलने के तो बाउंड होते हैं, लेकिन 100% आप कहें कि हम मैकेनिकली लेक्चर्स के ऊपर आ जाएं और टाइम कंस्ट्रेंट जैसे होता है, जैसे कभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है उस वजह से आपको कुछ टॉपिक समटाइम ज़्यादा एलैबोरेट हो रहा होता है, कभी कम एलैबोरेट हो रहा होता है। तो हमारी इंटेंशन ये है कि आपको चीज़ें क्लियर हों और मैक्सिमम और रिलेटिव इंफॉर्मेशन आपको हम लोग प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, सो मोर ओवर हम लोगों को एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया इसके ऊपर काम करते हुए और हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो मैंने आज ये डिसाइड किया था कि चूंकि हम लोगों ने टाइम कंस्ट्रेंट्स के अंदर भी रहना है, लेकिन आपने ये नहीं बेटे परेशान होना कि अगर हमारे डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हमें ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। बेटे, आपको अगर हम लोगों ने स्टार्ट किया है तो फिर एंड तक सारी की सारी चीज़ें करवाएंगे, चाहे हमें ज्यादा दिन भी लगाने पड़े अपने सेट स्केड्यूल से। ठीक है। अच्छा, अगर आपका बेटे कोई प्रोक्रियोटिक या यूक्रियोटिक सेल के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, क्योंकि ये एक डिफरेंस हमारा रह गया है और मेरा ख्याल से आप लोग इस डिफरेंस को अकोमोडेट कर सकते हो। हम लोग आगे आज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि बेटे। हाँ जी बेटे, गैस वेक्यूल्स आपके पास उन तमाम ऑर्गेनिजम्स के ऊपर होंगे जो के वाटर में रिजाइड करेंगे। अब जैसे साइनोबैक्टीरिया है वो वाटर के ऊपर मौजूद है, एलजी जो है वो वाटर के अंदर मौजूद है, तो गैस जो वेक्यूल वाला क्वेश्चन है वो तो वाटर के साथ एसोसिएट करता है, क्योंकि जब कभी वो गैस फिल्ड करेंगे तो वो वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। बेटे, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल से एसोसिएटेड अगर कोई क्यूरी है तो वो आप मुझे बता दें, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, क्योंकि हम वो उसको स्किप कर रहे होंगे, क्योंकि वो एक बड़ी बेसिक सी चीज है, वो आप कर सकते हैं। चलें जी, हम लोग एक MCQ से आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं और आपको MCQ से ही ये पता चल रहा होगा कि हम कौन से लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटे, मैं अगर आपके साथ डिस्कस करता हूं प्रोटीन्स और वाटर और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड, अगर बेटे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन नेचर, तो डेफिनेटली आप ये कहोगे कि मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड वाटर होता है। अगर ये बात इस तरह से पूछी जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर, बेटे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट होगा, सब तो नहीं हो सकते बेटे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में बेटे सबसे ज्यादा प्रोटीन्स होंगी। ठीक है, एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन्स मौजूद होंगी। सो हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोटीन्स मौजूद हैं अगर उनको कंसिडर किया जाए तो बेटे हम लोग मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन को यूं स्टडी करते हैं कि इन नेचर जो सबसे ज्यादा प्रोटीन्स मौजूद हैं, दीज आर रूबिस्को प्रोटीन्स
और वो प्रोटीन जो आपके पास एनिमल्स में सबसे ज्यादा मौजूद हैं वो है कोलाजन प्रोटीन, राइट। सो यहां से हम लोग ये बात करते हैं कि जिस रोज साइंटिस्ट को ये समझ आया कि जिंदगी क्या है, तो उस रोज उनको ये समझ आया कि जिंदगी बेसिकली कंपोज हुई है कुछ स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल से जिनको हम लोग नाम देते हैं प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स आर सच एन एसेंशियल मॉलिक्यूल जिससे जिंदगी आपकी कंस्ट्रक्ट हुई है। अच्छा, और तो इसी वजह से हम लोगों ने प्रोटीन को प्रोटीन कहना शुरू किया, यानी हम ये कहते हैं कि प्रोटीन की अगर बात की जाए तो प्रोटीन का वर्ड वाइज मीनिंग ये है कि इट इज प्राइमरीली इंपॉर्टेंट एंटिटी। ये आपके पास सबसे ज्यादा अहम चीज है, राइट। या हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं कि प्रोटीन से एसोसिएटेड एक बात ये की जाती है कि प्रोटीन आपके पास मोस्ट डाइवर्स एंटिटी है। अच्छा, जब कभी आप इसको डाइवर्स एंटिटी कंसिडर करते हो तो डाइवर्स एंटिटी मेरे बेटे इस परस्पेक्टिव में डिस्कस करते हैं कि अगर आप ग्लूकोज देखो तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लूकोज का वही फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर आप लोगों इंडिविजुअल्स के अंदर फॉस्फोलिपिड्स की बात करो तो ऑलमोस्ट फॉस्फोलिपिड्स एक ही तरह के होते हैं, एक्सेप्ट दैट के उसकी फैटी एसिड की चेन्स का डिफरेंस है। और अगर आप बेटे प्रोटीन की बात करते हो तो ये इवन स्पीशी टू स्पीशी वेरी करती है और विद इन ए स्पीशी वेरी करती है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। उसकी रीजन असल में ये होती है कि आपके पास प्रोटीन का ताल्लुक डायरेक्टली जीन्स के साथ होता है। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि बेटे प्रोटीन को हम जब कभी एसोसिएट करते हैं तो उनको ये समझ आई, कभी वो ये समझते थे कि ब्लूप्रिंट्स ऑफ लाइफ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स हैं। जिंदगी प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ ही डिपेंडेंट है। लेटर ऑन दे कम टू नो दैट कि नहीं जी, जिंदगी ऐसे नहीं है, बल्कि जिंदगी का ताल्लुक जो है वो जीन्स के साथ है। अच्छा बेटे, जीन्स को जीन्स क्यों कहते हैं? हम ये बात समझते हैं कि जीन का जो वर्ड आया है वो आया है ओरिजिन से, यानी आपकी हर प्रॉपर्टी की इब्तदा जीन से होती है। आपके बाल घुंघराले हैं तो रीजन जीन है। आप का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो रीजन जीन है। अगर आपकी आई कलर ब्लू है तो रीजन जीन है। अगर आपकी एयर लोब्स अटैच्ड हैं या फ्री हैं तो रीजन जीन है। आपके हर करेक्टर की रीजन जीन होता है बेटे। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि असल में ये जीन्स ही होते हैं बेटे जो बाद में अल्टीमेटली प्रोटीन में चेंज हो जाते हैं। इस वजह से बेटे हमें जो प्रोटीन वाले प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादातर प्रोटीन वाले प्रॉब्लम्स असल में जेनेटिक रीजंस की वजह से होते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि आपके पास अमूमी तौर पर जो एंजाइम डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स हैं उनका ताल्लुक समहाउ जेनेटिक्स के साथ होता है। सो उन्होंने कहा कि जिस रोज हम लोगों को ये समझ आया कि प्रोटीन्स की के ऊपर जिंदगी डिपेंड करती है तो बहुत जरूरी हो गया कि हम अंडरस्टैंड कर सकें बायो केमिस्ट्री, कि हम जिंदगी की केमिकल पार्ट को पढ़ सकें। जिस रोज ये इंडिकेट हुआ कि आपकी हर खसूसियत हर प्रॉपर्टी की इब्तदा जीन से होती है, उस दिन ये फील हुआ कि भाई जेनेटिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। और जिस दिन ये समझ आया कि आपके पास जीन ही वो चीजें होती हैं जहां पर प्रोटीन्स बनती हैं, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बनी और आपके पास सबसे अहम प्रिंसिपल इन्वेंट हुआ विच इज नेम्ड एज सेंट्रल डॉगमा। अच्छा बेटे, सेंट्रल डॉगमा एक ऐसा बिलीव है जिसके ऊपर तमाम लोगों का एतकाद है। डॉगमा का लफ्जी मतलब ये होता है कि ये आपके पास एक बिलीफ एतकाद ईमान है। साइंटिस्ट का ये ईमान है कि वो इंडिविजुअल जिनके पास सेंट जीन्स मौजूद होते हैं वो डेफिनेटली प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं।
और हम लोग ये बात मानते हैं कि आपके पास वायरसेस को जो लिविंग स्टेटस मिला है, वो लिविंग स्टेटस मिलने की रीजन ये है कि वो जीन्स कैरी करते हैं, और जब कभी वो जीन्स ट्रांसलेट होते हैं तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं। हम जब कभी प्रोटीन की डिटेल में स्टडी करना शुरू करते हैं तो हम बेटे एक बात तो ये पढ़ते हैं कि सबसे पहले प्रोटीन को डिस्कवर किया है, इट इज डिस्कवर्ड बाय मोल्डर और इट इज नेम्ड बाय बर्जिलियस। और हम लोगों ने ये बात की कि आप जब कभी बेटे प्रोटीन्स को डिफाइन करोगे तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन आप ये बात करोगे कि प्रोटीन्स आर हेट्रोपोलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, दीज आर हेट्रोपोलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। और जब कभी बेटे आप अमाइनो एसिड की बात करते हो तो हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि अमाइनो एसिड कोई भी ऐसा कंपाउंड होगा जिसके पास कोई एक अमाइनो ग्रुप मौजूद होगा, शुड कंटेन एन अमाइनो ग्रुप एंड डेफिनेटली इट शुड कंटेन अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो ये अमाइनो ग्रुप है और ये एसिडिक ग्रुप है, इसी वजह से हम लोग अमाइनो एसिड को एम्फोटेरिक एंटिटीज कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसके पास एसिडिक प्रॉपर्टी भी मौजूद होती है और बेसिक प्रॉपर्टी भी मौजूद होती है। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि जब कभी आप अमाइनो एसिड्स की बात करते हो आप ये देखते हो कि वो कार्बन जिसको आप लोग नाम देते हो अल्फा कार्बन का या कायरल कार्बन का, या अगर यहाँ पर चार डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, चार डिफरेंट कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, तो आप इसको फिर एसिमेट्रिक कार्बन का नाम देते हो। तो हम लोग बेटे ये बात करते हैं कि ये जो आपके पास एक अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन एक अल्काइल ग्रुप कंटेन करती है, और अमाइनो एसिड की जो सारी की सारी वैरायटी है वो सारी की सारी वैरायटी इन आर ग्रुप के ऊपर बेस करती है। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि बेटे अगर आपके पास ये आर ग्रुप सिंपल हाइड्रोजन होता, अगर ये आर ग्रुप सिर्फ हाइड्रोजन हो तो हम कहते हैं जी ये वाला अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है और पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। या हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है, तो डेफिनेटली ग्लाइसिन है। वो कौन सा अमाइनो एसिड है जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होता है, तो बेटे वो ग्लाइसिन है। या हम अगर कभी आपसे ये बात पूछते हैं कि बेटे आपके पास फोटो रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलेट से जो पहला मॉलिक्यूल बनता है तो वो ग्लाइसिन है, और हम ये कहते हैं कि तमाम के तमाम अमाइनो एसिड की कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके पास ग्लाइसिन ऐसा है जिसके अंदर दो हाइड्रोजन होने की वजह से इसको हम फिर एसिमेट्रिक कार्बन कंसिडर नहीं करते हैं। और ये पेपर में बहुत ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है। हम कहते हैं जी अगर यहां पर सी एच थ्री ग्रुप मौजूद हो तो इसको हम लोग मिथाइल ग्रुप की वजह से एलानिन कंसिडर करते हैं। मोर ओवर हम लोग ये कहते हैं कि बेटे मुमकिन है कि आपके पास यहाँ पर एक और अमाइनो ग्रुप हो, अगर यहाँ पर एक और अमाइनो ग्रुप होगा तो हम लोग ये कहेंगे कि अमाइनो ग्रुप होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी अब बेसिक हो गई है, और बेसिक अमाइनो एसिड की जब कभी आप बात करोगे, बेसिक अमाइनो एसिड की जब कभी आप बात करोगे तो बेटे बेसिक अमाइनो एसिड में आपके पास लाइसिन है, आर जी नीन है, या बेटे आपके पास
हिस्टिडीन अमाइनो एसिड होता है। अब लाइसिन और आर्जिनिन आपके पास बेटे वो अमाइनो एसिड्स हैं जो के हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं। सो हम ये बात पढ़ते हैं कि ये तो हिस्टोन में पाए जाने वाले हैं क्योंकि ये बेसिक हैं, हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होती है। जबकि आप हिस्टिडीन की बात करोगे तो बेटे हिस्टिडीन वो अमाइनो एसिड है जो हिस्टामीन में मौजूद होता है। मोरओवर हम लोग ये कहते हैं कि जिस तरह से आप अमाइनो ग्रुप की बात करते हो, मुमकिन है कि आपके पास बेटे ये आर ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्म में मौजूद हो। अगर बेटे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फॉर्म में मौजूद है तो हम इसको एसिडिक अमाइनो एसिड कहते हैं। इन दैट केस ऑफ एसिडिक अमाइनो एसिड हम लोग ये कहते हैं कि एसिडिक अमाइनो एसिड्स आपके पास या तो एस्पार्टिक एसिड है या बेटे ये ग्लूटामिक एसिड है। अब बच्चे कभी क्वेश्चन पूछते पूछते वो ये कहते हैं कि सर ये बता दें कि आपके पास एस्पार्टिक एसिड में और ग्लूटामिक एसिड में डिफरेंस क्या होता है। बेटे देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों के पास मौजूद होते हैं, लेकिन एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ग्लूटामिक एसिड के पास CH2 और COOH होता है, जबकि एस्पार्टिक एसिड के पास CH2 और COOH मौजूद होता है। हम लोग कहते हैं जी यहां से अगर आगे की बात करें तो हम लोग ये देखते हैं कि आपके पास बेटे ये जो ग्रुप्स यहां पर लोकेट करते हैं, दीज ग्रुप्स में इधर भी ये हो सकते हैं आपके पास सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। अगर बेटे ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हैं तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड तो यहां तो बेटे आपके पास सिस्टीन है या आपके पास मैथियोनीन है। अगर कोई आपसे ये पूछता है जी सबसे फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा है तो हम कहते हैं जी डेफिनेटली हमारे पास मैथियोनीन है। और अगर कोई आपसे बेटे क्वेश्चन ये पूछता है कि बेटे ये बताओ कि कौन से अमाइनो एसिड्स आपके पास ऐसे हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं, तो याद रखना मैथियोनीन डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाता। उसकी रीजन ये होती है कि मैथियोनीन को जब कभी आप देखोगे तो मैथियोनीन में यूं सल्फर के ऊपर और नीचे बॉन्ड में इंटेंगल है, जबकि यहाँ पर टर्मिनल सल्फर मौजूद होता है तो टर्मिनल सल्फर मौजूद होने की वजह से ये बॉन्डिंग में अवेलेबल है। इस वजह से याद रखिएगा कि डाई सल्फाइड बॉन्ड में सिर्फ सिस्टीन इन्वॉल्व होता है। मोर ओवर हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि बेटे आपके पास ये जो आर ग्रुप है, दिस आर ग्रुप में भी ये जो आर ग्रुप आपके पास मौजूद है, ये आर ग्रुप आपके पास OH ग्रुप की सूरत में मौजूद हो सकता है। अगर ये OH ग्रुप की सूरत में मौजूद हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की सूरत में मौजूद हो, तो हम लोग ये कहते हैं कि जी ये आपके पास या तो बेटे सेरीन है जो कि फॉस्फोलिपिड्स में आप पढ़ते हो, या ये आपके पास थ्रियोनीन अमाइनो एसिड्स होते हैं। अच्छा, मजीद हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास मुमकिन है बेटे कि ये कोई एरोमेटिक रिंग की सूरत में मौजूद हो। जब कभी भी बेटे ये आपके पास एज एन एरोमेटिक रिंग पाए जाएंगे तो ये या तो फिनाइल एलानीन होते हैं। मेरे बेटे मुझे बता सकते हो कि फिनाइल एलानीन कहां पर मौजूद है? तो मैं ये कहता हूं कि फिनाइल एलानीन एंड एस्पार्टिक एसिड एस्पार्टेम के अंदर मौजूद होता है। एस्पार्टेम एक ऐसा डाइपेप्टाइड है जो कि आपके पास स्वीट इन टेस्ट है, और ये आपके पास एक ऐसा डाइसेक्राइड है, डाइपेप्टाइड है जो
अगर इंडिविजुअल अमाइनो एसिड की सूरत में हो, यानी फिनाइल एलानिन इंतहाई कड़वा अमाइनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड इंतहाई खट्टा अमाइनो एसिड है, लेकिन बेटे जब ये मिल जाते हैं तो ये आपके स्वीट रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। जब आपके स्वीट रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो वो आपको स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये वाले अमाइनो एसिड्स आपके पास टायरोसिन्स, चलें इसको हम ट्रिप्टोफैन कर लेते हैं। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड मेलाटोनिन हार्मोन में पाया जाता है, और मेलाटोनिन जो आपके पास रात में रिलीज होता है ये आपके लिए तस्कीन का बाइस बनता है। और हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि जो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड आपके पास होते हैं बेटे, ये मेलाटोनिन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और ये ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड आपको दूध में मिलते हैं। इसीलिए आपको यूजली मदर पेरेंट्स आपके ये रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप ट्रिप्टोफैन का यानी दूध का इनटेक करें ताकि आपकी बॉडी में मेलाटोनिन प्रोड्यूस हो, दैट गिव्स यू द रेस्ट फीलिंग। मोर ओवर हम लोग ये देखते हैं कि जी आपके पास टायरोसिन अमाइनो एसिड है, और ये टायरोसिन वो अमाइनो एसिड हैं जो T3 में या T4 में, एड्रिनालिन में, नोर एड्रिनालिन वगैरह में मौजूद होता है। बाकी आपके पास जो अमाइनो एसिड बेटे यहाँ पर मौजूद होते हैं वो ज्यादातर नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। तो वो अमाइनो एसिड जो आपके पास, जी बेटे जी, अच्छा बेटे मैंने बताया तो है कि ये T3 और T4 में रोल प्ले करते हैं, थायरोक्सिन बनाने में रोल प्ले करते हैं, वो एड्रिनालिन नोर एड्रिनालिन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। हम हाँ जी, पायरोफीन तो बेटे मैंने नहीं पढ़ाया, अच्छा ट्रिप्टोफैन, अच्छा सुन लें, ट्रिप्टोफैन आपके पास एक ऐसा अमाइनो एसिड है बेटे जो मेलाटोनिन हार्मोन में होता है। आपने शायद कभी पीनियल ग्लैंड्स पढ़े होंगे, पीनियल ग्लैंड्स के अंदर दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। मेलाटोनिन को याद रखें मून से, ये रात के वक्त रिलीज होता है। सेरोटोनिन को याद रखें सन से, ये सुबह के वक्त प्रोड्यूस होते हैं। इनका काम ये आपके डेली रिदम्स को, डायर्नल रिदम्स को कंट्रोल करते हैं। और हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि ये मेलाटोनिन वो हार्मोन होता है जिसकी बेस ट्रिप्टोफैन होती है। आपकी नींद के अंदर जो तस्कीन का एलिमेंट है, जो रेस्टनेस का जो एलिमेंट है, रेस्ट प्रोवाइड करने का, वो ट्रिप्टोफैन की वजह से यानी मेलाटोनिन की वजह से होता है। और अगर आप दूध पी के सोते हैं तो दूध के अंदर बेटे ट्रिप्टोफैन होता है जो मेलाटोनिन की फॉर्मेशन करता है, और अल्टीमेटली आपके नींद में तस्कीन पैदा होती है। मोरओवर हम लोग ये कहते हैं कि आपके पास नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। जब कभी बेटे आप नॉन पोलर अमाइनो एसिड का जिक्र करोगे तो आप ये कहोगे कि नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स में ल्यूसीन, आइसो ल्यूसीन या वेलिन या प्रोलीन्स होते हैं। जी बेटे जी बिल्कुल ठीक है, अच्छा बेटे हम लोग ये बात पढ़ना शुरू करते हैं कि आपके पास जब कभी भी हम लोग अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि ये जो आपके पास मौजूद अमाइनो एसिड्स हैं ये वो अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। यूजुअली जब कभी बेटे आप अमाइनो एसिड को डिस्कस करोगे हम ये कहेंगे कि हमारे पास कोई 170 काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जो आपको सेल्स में और टिश्यूज में मिलेंगे, ठीक है। ये जो 170 काइंड ऑफ अमाइनो एसिड आपके पास हैं ये आपको सेल्स और टिश्यूज में मिलते हैं, लेकिन बेटे
ये 170 काइंड ऑफ अमाइनो एसिड में से अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो असल में नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड है, यानी ये ऐसे अमाइनो एसिड है, 145 अमाइनो एसिड आपके पास ऐसे अमाइनो एसिड है जिन्होंने सारी जिंदगी बेटे अमाइनो एसिड के तौर पे रहना है। ये इन्होंने अमाइनो एसिड, सिंगल अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होना है, इन्होंने सिंगल जीना है और सिंगल मर जाना है बेटे। इन्होंने कभी भी प्रोटीन फॉर्मेशन में रोल प्ले नहीं करना है, ठीक है। ये जो 145 काइंड ऑफ अमाइनो एसिड है मेरे बेटे, ये क्या करते हैं? हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि बेटे ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो के हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट साइकल्स और डिफरेंट रिएक्शंस के इंटरमीडिएट के तौर पर रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे अगर कहूं कि बेटे ऑर्निथिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो के नॉन प्रोटियोजेनिक है, जिसने कभी प्रोटीन के अंदर चेंज नहीं होना है, या मैं आपसे ये कहूं कि बेटे सिट्रुलिन वो अमाइनो एसिड है जिसने कभी प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होना है, जिसने सारी जिंदगी नॉन प्रोटियोजेनिक फॉर्म के अंदर रहना है, तो इनको हम लोग नॉन प्रोटियोजेनिक अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं। अच्छा, वो अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं वो तकरीबन 25 हैं, और इनमें से बेटे 5 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि रेयर हैं, जबकि 20 अमाइनो एसिड मोस्ट अबंडेंट अमाइनो एसिड हैं। इनको हम लोग प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड का नाम देते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि ये जो प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड्स आपके पास मौजूद हैं, रेयर अमाइनो एसिड कुछ कुछ प्रोटीन में आपको अवेलेबल होंगे, मेजरली नहीं होंगे। वो कहते हैं जो प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड, जो मोस्ट अबंडेंट अमाइनो एसिड आपके पास मौजूद हैं, ये मोस्ट अबंडेंट अमाइनो एसिड में से 10 अमाइनो एसिड आपके पास ऐसे जिनको हम लोग कंसिडर करते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड्स, और 10 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनको हम लोग नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स कंसिडर करते हैं। तो डेफिनेटली असेंशियल अमाइनो एसिड्स आपके पास बेटे वो अमाइनो एसिड होते हैं जो के आपके लिए अवेलेबल हैं फ्रॉम आउटसोर्स, जो आप खुद बना नहीं सकते हो, तो इनको आपको फूड में इंटेक करना पड़ता है। इस वजह से आपको वो प्रोटीन जिनमें सारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, इनको हम लोग या तो कंप्लीट प्रोटीन्स का नाम देते हैं या इनको हम लोग फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स का नाम देते हैं। तो बेटे जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स हैं या कंप्लीट प्रोटीन्स हैं, उनमें तमाम असेंशियल अमाइनो एसिड है। तो फर्स्ट क्लास या कंप्लीट प्रोटीन्स आपके पास वो प्रोटीन्स होती हैं जो आपको एनिमल सोर्स से अवेलेबल होंगी, राइट। मोर ओवर हम एक बात ये डिस्कस करते हैं बेटे कि आपके पास जितनी भी प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स आपके अंदर स्ट्रक्चरल फंक्शनल रोल प्ले करती हैं, और जब कभी भी हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि ये प्रोटीन्स बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड, अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड से बनते हैं। अगर प्रोटीन के आप सिंपल रोल डिस्कस करना शुरू करो तो हम लोग फंक्शन ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करें तो हम ये कहते हैं कि जैसे बेटे आज मॉडर्न इरा के अंदर हम ई कैश पे बिलीव करते हैं, सो ये जो ई कैश की बातें हैं ये असल में प्रोटीन से एसोसिएटेड है। कैसे प्रोटीन से एसोसिएटेड है?
क्योंकि बेटे आपके पास मोस्ट ऑफ द एंजाइम एक्सेप्ट राइबोसाइम्स एंजाइम्स प्रोटीन नेचर के होते हैं। प्रोटीन एक्ट करती है एज कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन्स में जैसे हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन कैरियर का रोल प्ले करती है। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास एंटी बॉडीज जो डिफेंस का रोल प्ले करते हैं, आपके पास सेवरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, चाहे वो स्पिंडल फाइबर की प्रोटीन्स हों, चाहे वो एक्टिन की या मायोसिन्स की प्रोटीन्स मौजूद हों। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास बहुत सी प्रोटीन्स हॉर्मोन्स में रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकागोन की बात करो या इंसुलिन की बात करो, ये सब वो हैं जो कि एज ए हार्मोन एक्ट करते हैं।